जोहार झारखंड, मैं निधि एफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए झारखंड पेपर को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। अगर आप झारखंड सब इंस्पेक्टर या फिर जेटेड की तैयारी कर रहे हैं तभी इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में झारखंड पेपर अनिवार्य है। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी यानी कि झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड की भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप। भूगर्भिक संरचना कहने का मतलब हुआ भूमि के गर्भ में जैसी संरचना है, जो संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। धरातलीय स्वरूप कहने का मतलब हुआ कि झारखंड का धरातल पर जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल फीचर्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार मैप में इसका एक बार हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ठीक है कि मैप में कौन कौन सा भाग है। ये जो है भूगर्भिक संरचना है झारखंड का, ठीक है। झारखंड का भूगर्भिक संरचना को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक हो जाता है आपका आर्कियन ग्रेनाइट नीस थार्वक्रम की चट्टाने, दूसरा हो जाता है गोंडवाना, तीसरा होता है नवीनतम जरोड़, चौथा हो जाता है राजमहल की ट्रैप, पाँचवा हो जाता है विंध्यक्रम की चट्टाने। चूंकि हम लोग पढ़ने रहे हैं यहाँ पर, हम लोग एमसीक्यू करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं वो 90% एरिया को कवर करता है। जितना भी खाली स्पेस आपको झारखंड में देखने को मिल रहा है वो क्या हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टाने हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका गोंडवाना, ये है गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना का लैंड कहाँ कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका क्रॉस मार्क वाला गोंडवाना का लैंड हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पर है नवीनतम जरोड, ठीक है। थर्ड नंबर पे है नवीनतम जरोड़। नवीनतम जरोड़ यहाँ पे आपको सुनरेखा घाटी में देखने को मिलेगा, गंगा नदी के क्षेत्र पे जो घाटी हुआ वो उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पे आपको उत्तरी कोल नदी बेसिन पे देखने को मिलेगा। फिर जो है राजमहल का ट्रैप, राजमहल का ट्रैप आपको ये एरिया हो गया। फिर बच गया विंध्यक्रम की चट्टाने, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है वो है विंध्यक्रम की चट्टाने, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं धरातलीय स्वरूप पे। धरातलीय स्वरूप को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एक हो जाता है आपका पाट क्षेत्र, दूसरा हो जाता है रांची का पठार, तीसरा हो जाता है हजारीबाग का पठार, चौथा हो जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। फर्दर इसको हम लोग और भी बहुत सारे भाग में बांटते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा भाग है। एक है आपका उत्तरी कोल बेसिन है, फिर हजारीबाग का पठार है, निचला हजारीबाग का पठार है, राजमहल की पहाड़ियाँ है, गंगा नदी का मैदान है, पाट क्षेत्र है, दामोदर नदी बेसिन है, रांची का पठार है। पाट क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिकोणा है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। रांची का पठार चतुर्भुजाकार है, ठीक है। उसके अलावा आपका है पंचपरगना का मैदान। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरीके से ग्रीन कलर का किया हुआ है वो क्या है, दालमा श्रेणी है। ये है ढारबंग का क्षेत्र, इसके लेफ्ट में पोरहाट का क्षेत्र है, नीचे है सहबासा का मैदान, उसके नीचे है कोल्हान की पहाड़ियाँ, और इधर है आपका सिमडेगा का पठार, ठीक है। तो ये था आपका धरातलीय स्वरूप। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है नीम में से कौन भूपट्टल की प्राचीनतम चट्टाने, यानी कि भूमि पट्टल की जो प्राचीनतम चट्टाने वो कौन सी है। सबसे प्राचीन हमारे यहाँ कौन सा है, तो है आर्किंग क्रम की चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू आते हैं, झारखंड में किस क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं, झारखंड में कौन से क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। तो ये तीनों ही क्रम की चट्टाने झारखंड में पाई जाती है, अभी जस्ट बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, भूमि की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वे किस क्रम की चट्टाने कहलाते हैं, यानी कि भूमि जब तरल अवस्था में थी, लिक्विड में थी, उसके बाद जब ये सॉलिड में बदल गई तो इस टाइम में जो चट्टान का निर्माण हुआ उस चट्टान को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्किंग क्रम की चट्टाने, ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, आर्किंग क्रम की चट्टाने। क्वेश्चन नंबर फोर आते हैं, आर्किंग क्रम में नीम में से कौन सी चट्टाने पाई जाती है, इसके आर्किंग क्रम की चट्टाने हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ई और बी दोनों, ग्रेनाइट और नीस दोनों कहाँ पाए जाते हैं, आर्किंग क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, आर्किंग क्रम का विस्तार झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर है, झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग को कवर करता है आर्किंग क्रम की चट्टाने, तो ये 90% एरिया को कवर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आते हैं,
निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को झारखंड में पैतृक चट्टान कहा जाता है? पैतृक चट्टान झारखंड में किसे कहते हैं? पैतृक चट्टान किसे कहते हैं? तो वार्किंग क्रम की चट्टानों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, निम्न में से किस क्रम की चट्टानें झारखंड में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कौन सा क्रम का चट्टान है जो इंपॉर्टेंस रखता है? तो ये हो गया आर्किंग क्रम की चट्टानें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, आर्किंग क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? आर्किंग क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? तो अभी हम लोग मैप में देखे थे, ये लगभग 90% एरिया को कवर करता है। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों ही क्षेत्र हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, झारखंड का भूभाग कितने उत्तर पूर्वी छोर को पर स्थित है? झारखंड का जो भूभाग है वो कितने उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका जो उत्तर पूर्व भाग है वहाँ पे झारखंड स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्किंग क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से किस क्रम की चट्टानें निर्मित हुई है, यानी कि आर्किंग क्रम में जो आर्किंग क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अपरदन यानी कि वेदरिंग, निक्षेपण यानी कि सेडिमेंट्री से कौन से क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है? तो ये हो गया धारवर क्रम की चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, किस क्रम की चट्टाने भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपण चट्टान है? कौन सा क्रम का चट्टान है जो भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है, यानी कि पहला बार में जो प्रारंभिक जो निक्षेपण हुआ है सेडिमेंट्री चट्टान है वो कौन सा है? तो हो गया धारवर क्रम की चट्टान है। 12 नंबर, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कोल्हान श्रेणी के नाम से कौन सा चट्टान को जानते हैं? तो ये हो गया आयरन और श्रृंखला वाला, यानी कि ये हो गया धारवर क्रम की चट्टाने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धारवर क्रम की चट्टाने। ठीक है, क्या हो जाएगा? धारवर क्रम की चट्टाने। ठीक है, जहाँ पे आयरन और का सीरीज है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? झारखंड में कौन सा क्रम का चट्टान है उसका अभाव है? तो झारखंड में आपको आर्किंग क्रम की चट्टानें, गोडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, ये तीनों देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उसका अभाव है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है? कौन सा क्रम का चट्टान है जिसमें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर पाया जाता है? ये हो गया विंध्य क्रम की श्रेणी। ठीक है, विंध्य श्रेणी जो होती है उसमें हम लोग बलुआ पत्थर चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर इसी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, विंध्य क्रम की श्रेणी की चट्टाने झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में किस नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टाने कहाँ पे पाई जाती है? सोन नदी घाटी पे पाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सोन। ठीक है, सोन जो नदी है उसके क्षेत्र पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विशेष रूप से गढ़वा में। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? झारखंड में जो कोयला निक्षेप है, ठीक है, कोयलों का जो निक्षेपण है वो किस क्रम के चट्टानों से है? अगर आप मैप आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो कोयला वाला क्षेत्र में कौन सा चट्टान आपको देखने को मिला? गोंडवाना चट्टान देखने को मिला। ठीक है, दामोदर नदी बेसिन पे, दामोदर नदी की जगह पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। 17 नंबर आते हैं, राजमहल ट्रैप का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, राजमहल ट्रैप में कौन सा चट्टान पाया जाता है? बेसाल्ट पाया जाता है, काली मिट्टी इधर ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, किस क्रम के चट्टानों के अवशेष रोहतास पठार के दक्षिण छोर किस क्रम के चट्टानों के अवशेष रोहतास पठार के दक्षिण छोर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि रोहतास पठार के दक्षिण छोर में कौन सा क्षेत्र, कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो रोहतास का पठार किधर है? गढ़वा के ऊपर है। ठीक है, झारखंड में जो लेफ्ट साइड में ऊपर में रोहतास का पठार है। ठीक है, तो रोहतास का पठार के नीचे कौन सा क्षेत्र आपको मिलेगा? तो गढ़वा वाले एरिया में कौन सा क्षेत्र मिलता है? विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, किस क्रम की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर तथा सोन नदी भ्रंश का पढ़ना है? कौन सा क्रम है जिसका महत्वपूर्ण घटना क्या है, दामोदर तथा सोन नदी भ्रंश का पढ़ना? तो यह गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है उसके कारण क्या हुआ, दामोदर भ्रंश सोन नदी भ्रंश हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, क्रीटेशस युग में दक्कन लावा के समान उजगार से झारखंड में किसका विस्तार हुआ? क्रीटेशस युग के दक्कन लावा के समान उद्गार से झारखंड में किसका निर्माण हुआ है? तो दक्कन लावा से किस चीज़ का निर्माण हुआ है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जहाँ पर बेसाल चट्टाने मिलती है जिससे काली मिट्टी बनता है, काली मिट्टी होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आता है, झारखंड के धरातरी स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? धरातरी स्वरूप को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, यानी कि फिजिकल फीचर को, अभी बताएं। धरातरी स्वरूप को हम लोग चार भाग में बांटते हैं, बताए थे ना, अभी जस्ट बताए थे कौन कौन सा चार भाग है, एक है पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है राजमहल की मैदान, राजमहल ट्रैप एवं मैदानी क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का जो पठार है वो किसका भाग है? तो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ऑप्शन नंबर सी, किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है? तो ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही घुमा फिरा के पूछ दिया है। ठीक है, अच्छा ही है, एक तरह से आपका रिवीजन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? ये कैसी है, ये क्रिस्टलीय भी है, कायांतरित भी है। ठीक है, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित भी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, छोटा नागपुर पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? छोटा नागपुर पठार की संरचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? तो वो लावा चट्टान से हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट और नीस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर, छोटा नागपुर में मोस्टली आपको आर्किंग क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, और आर्किंग क्रम की चट्टानों में आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट और नीस। नीम में से किसे खनिजों का गोदाम का घर कहा जाता है? खनिजों का गोदाम का घर हम लोग किसको कहते हैं? तो खमीनर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर का पठार में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर आते हैं, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियों को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? अगर हम लोग पारसनाथ की पहाड़ियों को छोड़ देंगे तो उसके बाद उसको छोड़ने के बाद कौन सा भूभाग है जो सबसे ऊँचा है? वो है पाट क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, पाट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? पाट क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 900 मीटर है। ठीक है, अगर फीट में आप याद करना चाहते हैं तो इसको 3000 फीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्न में से किस पठारी क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की गई है? दक्षिण पठार में जो मेसा आकृति है उसकी तुलना झारखंड में कौन सा पठार है जिससे की गई है? तो इसका आंसर है पाट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, निम्न में से किन जिलों में पाट क्षेत्र का विस्तार है? इनमें से कौन सा जिला है जिसमें पाट क्षेत्र का विस्तार है? तो
इसका आंसर हो गया लोहरदगा, लातेहार, गुमला, ठीक है। ये तीनों में ही पाठ क्षेत्र का विस्तार है। अगर आप अभी मैप देखे थे तो देख सकते थे कि वहाँ पे लातेहार, लोहरदगा और गुमला तीनों को ही टच कर रहा था, ठीक है, लगभग। क्वेश्चन नंबर 32, मैप में तो उतना एग्जैक्ट नहीं बनाया है लेकिन वो लगभग टच कर रहा था। निम्न में से किस प्रकार की संरचना है पाठ क्षेत्र की? देखिए पाठ क्षेत्र का संरचना कैसा है, पाठ क्षेत्र का संरचना कैसा है, अभी मैप देखे थे तो इस तरीके से आकृति देखने को मिली थी, तो ये क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। समतल ऊपरी सतह के पठार को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो समतल, जो पठार के ऊपर जो समतल का भाव होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई पठार है उसमें ऊपर में जो समतल का भाव समतल है, ठीक है, पूरी तरह से प्लेन है लगभग लगभग, ठीक है, तो उसको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पाट कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो पाट का क्षेत्र है वो क्या है, औदे जो दूसरा जो भाग है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, पठार है, और उसके ऊपर में वो समतल है, इसलिए हम लोग उसको पाट क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पाठ क्षेत्र में जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को हम लोग टाँड कहते हैं और निचला भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, जो पाठ क्षेत्र का जो निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो निचला भाग को हम लोग दोन कहते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग को टार कहते हैं, निचला भाग को क्या कहते हैं? दोन कहते हैं। ये दो चीज़ आपने जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 36 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।